ये देखिए यहाँ पर हमारी दोनों बुआ भी आ गई हैं, दीपा बुआ भी आ गई, बेबी बुआ भी आ गई, और ये दीदी बैठी है, खाना खा रहे हैं सारे लोग। चाची भी है, चाची चाची तो चाची ये पतला पानी है, खाना थैंक यू बुआ जी। ठीक है अम्मी, पूजा किचन। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, व्लॉग विसिया में आपका स्वागत है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं छत पे आ रखी हूँ, और जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आप पीछे देख सकते हैं इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर पहाड़ दिख रहे हैं। और अभी क्या है कि मतलब हम लोग जो हैं यहाँ पर एक दो दिन और रहने वाले हैं, तो आज हमारे घर में एक छोटी सी पूजा भी है, और आज मेरी देवरानी का बर्थडे है, और उसको बहुत बहुत बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और अभी जो है हम लोग जो हैं जैसे जैसे जो भी काम करेंगे आज रूटीन, आप सुन लोगे पीछे चिड़िया की जो आवाज़ है वो इतनी अच्छी लग रही है ना, मतलब अगर आप भी यहाँ पर आएंगे ना तो आपको एक इतना अच्छा पीसफुल सा माहौल मिलेगा ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब ना दिल्ली में नहीं मिलता है जैसा यहाँ पर मतलब माहौल है। तो हम दिल्ली में इस चीज़ को मतलब नहीं इमेजिन कर सकते, यहाँ पर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो अभी मैं नहा धोकर खाना बनाऊँगी, सुबह का ब्रेकफास्ट बनाएंगी, देन उसके बाद दिन का, और फिर शाम को जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी जैसे भी होगा। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, ब्लॉग में बने रहिए। ये सीताफल के पत्तों की सब्जी और रोटी है, इसका खाने का मज़ा ही कुछ और है। ये मेरा ब्रेकफास्ट है मेरा। हे गाइस, दिन के बज रहे हैं अभी 12 और मैं बना रही हूँ यहाँ पर चैसी। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये चैसी जो है दाल, ये मैंने भिगो के रखी हुई है, और मैंने यहाँ पर कढ़ाई भी चढ़ा दी है बनाने के लिए। तो मैं भी यहाँ पर बनाऊँगी चैसी, जो गाँव की काली वाली दाल होती है ना उसकी चैसी बनाऊँगी, और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अब हम आपको मिलते हैं सीधा खाने के। तो गाइस ये जो काली दाल है ना, ये जो हमने हुई थी है अच्छा। इसको भी हम डालेंगे इसके अंदर, दाल के अंदर। तो ये देखिए मसाला भी हमारा जो है पीस चुका है। जो चैसी की सब्जी है ही गाइस, जैसे ही मैंने खाना बनाया मैं बाहर निकली तो देखा मैंने बारिश आ रही थी, और मौसम इतना ज़्यादा सुपर ऑसम हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो की क्लिपिंग इसमें भी डाल देती हूँ। और उसके बाद मैं फिर छत पे गई, तो छत पे जाके मैंने देखा कि सिया और काशी दोनों इतनी मस्ती कर रहे थे पानी में, और सिया तो बिल्कुल फुल इन्जॉय कर रही थी काशी के साथ, और ये दोनों के दोनों तो बस पूछो मत, यहाँ पर जो पानी था तो उसमें बस नहाने में लगे हुए थे और खूब इन्जॉय कर रहे थे। तो गाइस बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर बारिश आ रही है, और मैं बाहर बैठी हूँ, और मैं यहाँ पर मिठाई खा रही हूँ, और मैं इन्जॉय कर रही हूँ। गाइस अब हम लोग खा रहे हैं दिन का खाना, ये देखिए। यूवी चैसी खाना था जो भात और चैसी, ये गढ़वाली दाल है। तो गाइस आज हमारे घर में घड़ेले हैं, और जो गढ़वाली लोग हैं उनको पता होगा कि घड़ेले क्या होते हैं, तो मुझे ना कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस को पता है कि घड़ेले क्या होते हैं। तो अगर क्या मम्मी बताएंगे, मम्मी को पता है क्या बोलते हैं? घड़ेलू। मेरे को भी थोड़ा घड़ेलू ना, घड़ेलू। हाँ घड़ेलू, क्योंकि मुझे भी इतना बोलना नहीं आता। तो अभी हम बना रहे हैं, अभी हमारे घर में ना बहुत सारे बुआ वगैरह भी आने वाली है, तो अभी हम छोले बना रहे हैं, ये काले अभी कर रखे हैं, तो अभी इसका मसाला बन रहा है। और यहाँ पर अभी हम बनाएंगे क्या बोलते हैं शाही पनीर, तो उसके लिए हमने प्याज काट रखा है, ये सब पनीर वनीर सब रखा हुआ है,
तो जैसे जैसे अभी होता रहेगा, जैसे जैसे अभी होता रहेगा वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। तो गाइस इसमें बन गए छोले और इसमें मैंने मसाले ऐड करे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और यहाँ पर जो है चाची और भी आ गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आ गई है बड़ी चाची और ये आ गई छोटी चाची। और जो चाची वाली चाची है इनके ना पैर में चोट भी लगी हुई है। ये देखिए इनके पैर में चोट लगी हुई है। पर किसने किसने लगा दी है? किसने? ये चोट कैसे लगी आप? गाय ने, चाची जी का। हाँ, गाय के डर गई। मम्मी भी खड़ी है यहाँ पर, चाची मम्मी भी खड़ी है यहाँ पर। अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, अभी शाम को गड़ेले लगेंगे, फिर जो भी होगा बताएंगे, नाचेंगे जो भी होगा बता देंगे। और यहाँ पर अंजू सलाद काट रही है, ये अंजू सलाद काट रही है। ये भी मम्मी ने बता दी। अभी यहाँ पर वो इसमें क्या करा अंजू, इसमें अंजू ने चावल भिगा रखे है, पुलाव बनाएंगे अभी। और यहाँ पर भी अभी छोले तो बन गए हैं, लेकिन अभी इसके लिए जो है ना ये रेडी करके रखा है, अभी इसका वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, शाही पनीर बनाएंगे। यहाँ पर जो है छोले भी बॉईल हो रहे हैं। हाँ, हाय करो, हाय हाय खाना, कैसे हो आप और क्या कर रहे हो आप? यू भी हेलो कर दो। यू भी थक गया है। और ये है काना। काना तो बहुत अच्छा बच्चा है। काना क्या कर रहे हो आप बेटा? खेल रहे हो? चलो ठीक है, आप खेल लो, बाद में मिलेंगे, बाय। हे गाइस, अभी जो है सब कुछ खाना बन चुका है, सभी खाना बन चुका है, बस मेरा शाही पनीर रह गया है। ये देखिए गाइज, मेरे को ना फिर यहाँ पर ना छोटे छोटे बच्चे छत पे मिल गए थे। ये मेरी देवर का बेटा है और ये मेरी नंद की बेटी है। तो इनके साथ मैं थोड़ी सी मस्ती कर रही थी छत पे, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिले थे। तो ये मुझे मतलब मेरे साथ थोड़ा सा खेल रहे थे, तो मैं इनको पूछ रही थी कि आपका नाम क्या है ये सब। तो फिर हम यही मस्ती ये सब कर रहे थे छत पे। गाँव से देखिए धामी भी आ गए थे अभी, तो ये आए हैं अभी। तो यही जो है हमारे घड़ेले जो लगेंगे, ये यही बजाएंगे। तो अभी ये हैं हमारे डुंगरी गांव से ही आए हैं और यहाँ चाचा चाची जी हैं। तो अभी हम इनसे पूछ रहे हैं कि अभी आपको पानी वानी, पहले इनको तो महेंद्र अभी इनके लिए पानी लेके आए हैं। तो अभी ये लोग इनको पानी वानी पिला दिया है, थोड़ी देर में ही हम खाना वाना खाएंगे, उसके बाद हमारे घड़ेले स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी दोनों बुआ भी आ गई हैं, दीपा बुआ भी आ गई, बेबी बुआ भी आ गई, और ये दीदी बैठी है, खाना खा रहे हैं सारे लोग। चाची तो चाची जब पतला पान रही है, खाना बहुत डाल के बना ले, बहुत पनीर पनीर। थैंक यू बुआ जी। ठीक है अम्मी, पूजा किचन। तो
शायद इसके बाद मैंने वीडियो क्लिप जो है शूट नहीं किया, क्योंकि उसके बाद हम सब लोग पूजा करने में बिजी हो गए थे भलेने में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।